तो हमें एक साल दो साल मेहनत करने के बाद जो है हमारे YouTube चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद अपने YouTube चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। जिससे हमारा चैनल मोनेटाइजेशन हो जाता है उसके बाद हम अपने वीडियो पे ऐड लगा के हम लोग अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही हमारा $10 कंप्लीट होता है तो हम अपनी गूगल एडसेंस में जो है एक पिन के लिए वेरिफिकेशन करते हैं और पिन जैसे ही हमारा आ जाता है तो पिन डालने के बाद हमारे अकाउंट को यानी गूगल एडसेंस अकाउंट को वेरीफाई कर देते हैं। वेरिफिकेशन कर देने के बाद जब हमारे यूट्यूब स्टूडियो में $100 कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो हमें गूगल एडसेंस अकाउंट में जो है हमें अपना बैंक अकाउंट को ऐड करना पड़ता है। जैसे हम लोग अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर देते हैं $100 जैसे हमारा कंप्लीट होता है हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि आप लोग अपने यूट्यूब चैनल के एडसेंस अकाउंट में किस तरीके से गूगल एडसेंस अकाउंट में आप लोग बैक अकाउंट को ऐड कर सकते हो। आज के इस वीडियो में आप लोगों को लाइव ग्रुप स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। साथ ही आपसे एक छोटी नंदिश रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी तरह का लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के अपने मोबाइल के स्क्रीन पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके मोबाइल फोन में जहाँ भी आपका क्रोम ब्राउजर है आपको फाइनली क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद उसके बाद क्या करना है, आपको सर्च इंजन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली जब आप लोग सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे उसके बाद आपको क्या करना है, गूगल एडसेंस लिख के सर्च करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, गूगल एडसेंस जो है लिख देते हैं। फाइनली जब हम यहाँ से गूगल एडसेंस लिख के आपको फाइनली क्या करना है, सर्च कर देना है। जैसे कि आप लोग सर्च कर दोगे तो आप लोग सामने कुछ इस तरह का जो इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब फाइनली आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग सामने जो है गूगल एडसेंस लिखा हुआ आ रहा है तो आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है। उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो आपको थ्री डॉट का ऑप्शन नजर आएगा तो सबसे पहले आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से डेस्कटॉप साइट को आपको सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम डेस्कटॉप साइट को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग सेलेक्ट कर लोगे ये कंप्यूटर की तरह जो है ओपन होने लगेगा और फाइनली आपको क्या करना है, थोड़ा जूम कर लेते हैं और जूम करने के बाद यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, गूगल एडसेंस पे एक बार क्लिक कर देते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे गूगल एडसेंस पे क्लिक कर देते हो आप डायरेक्टली जो है अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में पहुँच जाओगे। तो चलिए हम यहाँ से गूगल एडसेंस अकाउंट में हमने पहुँच जाते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस जो है मैं आपको बताता हूँ। तो फाइनली हमारा जो है यहाँ से ओपन हो चुका है गूगल एडसेंस अकाउंट। अब देख सकते हो कि यहाँ पर जो है मेरे को यहाँ पे पूरे के पूरे $59 यहाँ पे अभी कंप्लीट हुए हैं। अब फाइनली अब क्या करना है, इसमें कैसे अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो फाइनली आप लोग देख सकते हो जब आपका यहाँ पे $100 कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे आप लोगों को एक्शन बटन देखने को मिल जाता है, पर यहाँ पे हमारा जो है अभी $100 यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है तो हमें कैसे ऐड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फाइनली आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों के सामने जो है यहाँ पे थ्री लाइन्स का ऑप्शन शो करेगा तो आप लोगों को थ्री लाइन्स पे एक बार क्लिक करना होगा। तो चलिए हम थ्री लाइन्स पे क्लिक कर देते हैं। जैसे कि आप लोग थ्री लाइन्स पे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों के सामने जो एक पेमेंट का ऑप्शन नजर आएगा तो आप लोग इस पर भी क्लिक कर सकते हो या आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फाइनली आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर भी आप लोगों को एक थ्री डॉट का ऑप्शन नजर आएगा, आप लोगों को इस थ्री डॉट पर भी आप लोग एक बार क्लिक करके और यहाँ पर क्या कर सकते हो, व्यू पेमेंट पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग सामने जो व्यू पेमेंट का भी ऑप्शन शो करा होगा तो आपको फाइनली इसी पर एक बार क्लिक करना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर क्लिक कर देते हो तो आप लोगों को जो है एक रीडायरेक्ट फिर से एक पेज ओपन होगा और पेज ओपन हो जाने के बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूं। तो ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेता है उसके बाद ये ओपन होता है तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे। अब देख सकते हो कि यहां पर जो है कुछ इस तरह का जो इंटरफेस हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब यहां पर देख सकते हो कि आप लोगों के सामने जो लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा जूमिंग कर देता हूं तो देख सकते हो लिखा हुआ ऐड ए परमानेंट मेथड्स टू रिव्यू योर इलिजिबल। अब देख सकते हो कि यहाँ पे आपको किस तरीके से आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो फाइनली अब यहाँ पर देखते हो तो लिखा हुआ है यहाँ पर ऐड परमानेंट मेथड। अब आपको क्या करना है, ऐड परमानेंट मेथड पे आप लोगों को एक बार टैप करना होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ऐड परमानेंट मेथड पर एक बार क्लिक कर देता हूँ। जैसे कि आप लोग ऐड परमानेंट मेथड पर आप लोग क्लिक कर देते हो तो आप लोग समझ कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फाइनली देख सकते हो कुछ इस तरह का जो है आप लोगों का पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि आप लोगों के सामने जो है यहाँ पे कुछ दिया हुआ है तो आपको इसको छोड़ देना है, आपको यहाँ पे चले आना है। अब देख सकते हो कि यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको क्या डालना है मैं आपको बता देता हूँ। तो फाइनली आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बैंक ऑन, यहाँ पर देख सकते हो नेम ऑन बैंक अकाउंट। अब देख सकते हो जो भी आपका बैंक अकाउंट में ओरिजिनल आपका नाम है उसी नाम को यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप लोग सामने जो एक ऑप्शन और आ जाता है बैंक नेम, यानी कि आप कौन सा बैंक में आपका अकाउंट है, जैसे कि आपका बड़ौदा बैंक है या जो भी आपका बैंक है आपको यहाँ पर बैंक नेम लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके बैंक यानी कि आपका जो है पासबुक पे आपका IFSC कोड होगा तो आपको यहाँ पर IFSC कोड को आपको फिल करना पड़ेगा। अब यहीं पर देख सकते हो नीचे की तरफ में आप लोगों को एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है जहाँ पर लिखा हुआ है शिफ्ट कोड BIC। अब देख सकते हो आपके पास जो है शिफ्ट कोड कब मिलेगा, जब आपने बैंक अकाउंट में जाओगे और वहां से आप लोगों को क्या करना है
आप लोगों को वहाँ से जो कर्मचारी से आपको पता करना है कि आपका जो है आपके बैंक अकाउंट का सिप कोड क्या है, जैसे आप लोगों को वहाँ से पता चल जाएगा, या आप लोगों को जो है यूट्यूब पर जाके आप लोग वीडियो सर्च करोगे कि आप लोगों का जो है सिप कोड कैसे निकाल सकते हो, तो वहाँ पे बहुत सारे वीडियो जो है आप लोगों को दिखने को मिल जाएंगे जहाँ से आप लोगों को सिप कोड का पता चला जाएगा। अब देख सकते हो कि यहाँ पर जो आप लोगों को एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हो कि आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिला है बैंक अकाउंट नंबर। अब यहाँ पर देख सकते हो आपके बैंक अकाउंट नंबर क्या है, उसको फिल करना है। उसके बाद आपको देख सकते हो रीटाइप बैंक अकाउंट, यानी कि फिर से जो आपको कंफर्म करना है अपने बैंक अकाउंट को, और यहाँ पे जानकारी फिल करने के बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने बैंक एड्रेस को पूरा फिल कर लेता हूँ। तो फाइनली मैंने यहाँ पे जो है पूरा अपना फुल डिटेल्स को पूरा फुल कर दिया है। अब फाइनली आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों के सामने जो है एक ऑप्शन जो है अपने आप जो लगा हुआ रहता है, जहाँ पे लिखा हुआ है सेट एज प्रिंट वगैरह, यहाँ पे परमानेंट मेथड। अब ये जो आपका आइकन लगा हुआ रहेगा, मैंने यहाँ पे ब्लर कर दिया है, ये अपने सिक्योरिटी के लिए, तो इसको मैंने ब्लर कर दिया है। अब फाइनली आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों के सामने एक ऑप्शन आता है जहाँ पे लिखा हुआ है सेव। अब आपको क्या करना है, सेव वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेव वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देते हैं। जैसे कि आप लोग सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे थोड़ा देर जो है ये प्रोसेसिंग लेगा, और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो है यहाँ पे बैंक अकाउंट जो है फाइनली जो है ऐड हो चुका है। अब देख सकते हो कि यहाँ पर जो है एक ऑप्शन और आता है जहाँ पे लिखा हुआ है ऐड परमानेंट मेथड। अगर आप लोग चाहते हो दूसरा और अकाउंट ऐड करना, तो आप लोग फाइनली इस पर क्लिक करके आप दूसरा अकाउंट जो है फिर भी यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि मेरे बताया इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, और एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो भी बैंक अकाउंट में जिस भी बैंक अकाउंट में सिप कोड है उसी अकाउंट को लिंक करना चाहे, या आपको पता कर लेना है आपको अपने कर्मचारी से बैंक अकाउंट का जहाँ पर भी आपका बैंक है उस बैंक के जाके कर्मचारी सबको पता करना है कि इस बैंक अकाउंट है बैंक में सिप कोड है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि मेरे बताई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हुई, और वीडियो का कोई भी पार्ट क्लिप अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह का लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपको अगले इंटरेस्टिंग नॉलेज वाले वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।